नमस्कार, एसके फूड ट्रेजर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही पौष्टिक गोंद के लड्डू की रेसिपी, खास सर्दियों के लिए। इसमें डलेंगे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो देंगे हमको भरपूर एनर्जी और बचाकर रखेंगे ठंड से भी। इसमें कुछ टिप्स भी बताऊंगी, तो वीडियो को आप पूरा देखें, जिन्हें फॉलो करने से आपके लड्डुओं का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। ये लड्डू सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इन्हें बनाने के लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। 100 ग्राम गोंद लिया है और 50 ग्राम किशमिश, 300 ग्राम घी लिया, 100 ग्राम नारियल कद्दूकस किया हुआ और 100 ग्राम काजू और बादाम और 50 ग्राम मखाना लिया है। इनकी कोई लिमिट्स नहीं होती, नट्स की आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक मोटे तले की कढ़ाई लेनी है सबसे पहले, और उसमें 2 बड़े चम्मच घी गरम कर लेना है। जैसे ही घी गरम होता है, लो मीडियम फ्लेम करके हम इसमें 2 चम्मच गोंद डालकर भून लेंगे। जैसे ही गोंद इसके अंदर डालते हैं हम, गोंद की क्वांटिटी डबल होने लगती है और ये चटचट की आवाज़ करता है। जैसे ही चटचट की आवाज़ करना बंद करता है हम इसे निकाल लेंगे। इस समय पर इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया, ये देखिए अलग से निकाल लिया है। अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। जैसे ही ये भुन जाता है अच्छे से, देखिए मोती की तरह लगने लगता है, निकाल लेंगे इसे भी। और तीसरा बैच भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। गोंद को हमें एक साथ नहीं भूनना है, नहीं तो इसका चिपकने का डर रहता है और ये जल भी सकता है। इसीलिए 100 ग्राम गोंद को हमने 3 बार भूनकर तैयार किया है। और अब ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेंगे। बादाम को थोड़ा सा भूनने के बाद ऊपर से हमने काजू को डाल दिया, क्योंकि काजू बहुत जल्दी भूनकर तैयार होता है। इसे भूनने में 2 मिनट लगे हैं, इनका कलर चेंज हो गया। इन्हें भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद या तो आप इसे दरदरा कूट लें या फिर मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। किशमिश को जरा सा भूनें और फटाफट से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब भूनेंगे मखाने को। मखाने को आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं या फिर घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए जरा सा जैसे इसका कलर चेंज होएगा, मखाने को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जैसे ये क्रिस्पी हो जाएंगे, क्रिस्पी होने में 3-4 मिनट का टाइम लगता है, निकाल लें इसे एक अलग बर्तन में। नारियल को हल्का सा भून लें, बस हल्का सुनहरा होते ही एक अलग बाउल में निकाल लें। आप इसकी जगह डेसिकेटेड नारियल भी ले सकते हैं, ये सर्दी में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। सारे ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार हैं, अब हम इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए गोंद को तोड़ लेंगे, हाथ से क्रश करके दिखा दिया है। आप चाहें तो किसी कटोरी से भी इसको थोड़ा सा दरदरा कर सकते हैं। इससे लड्डू में क्रिस्पीनेस आता है, और ये क्रंची और क्रिस्पीनेस लड्डू में जब आता है तो लड्डू का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे भी हाथ से तोड़कर छोटा कर लेंगे कटोरी की मदद से, ताकि लड्डू की बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। मखाने को भी तोड़ लेंगे, देखिए हाथ से क्रश करके दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे से भुना हुआ है। सारे ड्राई फ्रूट्स के कम्बिनेशन से ये लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि इस पे गोंद का और आटे का और सारे नट्स का बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है। आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी बना सकते हैं या फिर दरदरा कूट कर ले लें। मिक्स करें इसे अच्छे से। और चैनल पर अगर नए हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसमें हमें आटे को भूनना है। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी और डाल देंगे। अगर हम आटे को घी में ही भूनते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। आप आटे को भूनते समय घी जरूर डाल लें। 500 ग्राम आटा लिया है, यानी कि 2 कटोरी आटा। धीमी आंच पर भूनेंगे इसे, लगातार चलाते रहेंगे ताकि आटा नीचे से जले नहीं। और जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा हम इसे नीचे उतार लेंगे। 10-15 मिनट में आटे का कलर चेंज होने लग जाता है। चलाते चलाते इसे लगातार इसी तरह से हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। अगर आपको लगता है
आटा ज्यादा सूखा है तो आटे में आप और घी डाल सकते हैं। ये देखिए आटे का कलर एकदम चेंज हो गया और इसे हमने नीचे उतार लिया है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें दरदरा किया हुआ गोंद और मखाना ऐड कर देंगे। बाकी के नट्स भी इसमें ऐड करेंगे। पूरा खांड या फिर शक्कर डालें। मैंने एक कटोरी शक्कर ली है जो 450 ग्राम के लगभग है। ऐड करेंगे इसमें और उसके बाद इसको चेक करके देखेंगे। अगर लगता है मीठा थोड़ा है तो बची हुई और शक्कर भी इसमें डाल दें। अगर आप गुड़ डालना चाहते हैं तो 450 ग्राम गुड़ में आप आधा कप पानी डालकर उसे आंच पर हल्का सा मेल्ट कर लें और जैसे ही गुड़ मेल्ट होता है इस सारे मिक्सचर में हमें उसे मिलाना है। और फटाफट से मिलाने के बाद में जैसे मैं लड्डू बना रही हूँ इसी तरह से हमें लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। लड्डू की बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। चाहे तो आप दोनों हाथों से प्रेस करके लड्डू बनाएं या फिर एक हाथ से बनाएं। दोनों हाथों से लड्डू फटाफट बन जाते हैं और ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म रहते रहते ही हमें इसे लड्डू बनाने होते हैं, क्योंकि जैसे ही मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो जाता है और ठंडा हो जाता है तो लड्डू बनाने में प्रॉब्लम आती है। आपको लास्ट में प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा घी मेल्ट करके डालें और लड्डू बना लें। ये हेल्दी से लड्डू बनकर तैयार हैं। इन्हें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर किचन सेल्फ पर ही रख सकते हैं और पूरी सर्दियों आप इनका आनंद ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। ये लड्डू खाने से कफ, कोल्ड और रेस्पिरेटरी की जितनी भी समस्याएँ होती हैं वो सब दूर होती हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चे, दूध पिलाने वाली माताओं और बड़े बुजुर्गों के लिए ये लड्डू बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं। सुबह खाएं या फिर नाश्ते में खाएं। साथ में एक गिलास दूध भी लें। आपको ये पूरा दिन एनर्जी देंगे और ठंड से भी बचाएंगे। लड्डू आप ये जरूर बनाएं, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। फ्राई करके डालिए नट्स। घी और आटे की रेशो ठीक रखेंगे तो लड्डू टेस्टी बनेंगे और एनर्जी भी देंगे। ये काम कर लेंगे तो आपके लड्डुओं का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।